दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जी हां, शराब घोटाले मामले में पिछले कई महीनों से जेल में बंद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी राहत है। इसको लेकर न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो खुशी मनाते नजर आ रहे हैं। जो जानकारी है वो ये कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, वो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो उनको लेने जो है तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। चलिए, ये हमारे साथ काशी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, आज आपके नेता को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई, क्या कहेंगे, कैसी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत बधाई, पूरे देश को बधाई, आज सत्य का विजय हुआ है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता बहुत उत्साहित हैं, बड़े खुश हैं कि आज हम लोग सत्य जीत गया। और जिस तरीके से साजिश रच के भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं को, खास हमारे मुखिया को जेल में भेजने का काम किया और देश के सामने बदनाम करने का झूठा प्रयास किया, लेकिन आज कलई खुल गई। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी रहा, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि तोते को बाहर निकालिए, तोते को आज़ाद कर दीजिए, तो सीबीआई को जब सुप्रीम कोर्ट कटघरे में खड़ा करता है तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र को किस तरह से हाँका जा रहा है। निश्चित तौर पर ये बहुत दयनीय स्थिति है इस देश की। और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करने वाली है। इस वजह से आपको क्या लगता है, आने वाले जो चुनाव हैं उसमें इसका कितना असर पड़ेगा? हरियाणा में चुनाव होने वाला है, वो काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्या लगता है आपके नेता जब बाहर आ गए हैं तो उस चुनाव में आपको ताकत मिलेगी? देखिए, सच्चाई ये है कि आज अरविंद केजरीवाल की जो रिहाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया है, सत्य की जीत हुई है और इससे पूरा देश, इसका असर ये मत समझिए केवल हरियाणा में, केवल अब दिल्ली में या उत्तर प्रदेश, पूरी देश के अंदर इसका असर पड़ेगा। एक देश में असर करने की बात करें, क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद? पहली बात तो ये संविधान की जीत हुई है और सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार, और देश की जनता एक मैसेज भी गया है कि अगर देश के प्रधानमंत्री इस तरह तानाशाही करेंगे तो एक संविधान है और एक संस्था है जो काम कर रही है, तो हमें बड़ी खुशी है इस बात को लेके। और आपने जैसे कहा कि चुनाव में क्या असर पड़ेगा, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के पहले अरविंद जी बाहर आए थे और उनका रथ कहाँ पे रुका था, मोदी जी का 240 पे आ गए। और इस बार हरियाणा चुनाव है और केजरीवाल जी हरियाणा के लाल हैं और हरियाणा में हरियाणा के लाल हैं, तो क्या लगता है हरियाणा पर भी असर पड़ेगा? बेशक, हरियाणा का चुनाव हम जीतने जा रहे हैं और मैं केजरीवाल की रिहाई पर, संविधान और लोकतंत्र की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। भारत में अगर राजनीति में केजरीवाल की ईमानदारी पर कोई उंगली उठाता है तो ये गलत है, अन्यायपूर्ण है। उनसे जैसा ईमानदार भारत की राजनीति में दूसरा कोई नहीं है। आप कह रहे हैं ईमानदार कोई नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि सशर्त जमानत मिली है, यानी कि उनके ऊपर जो आरोप लगे थे अभी वो गलत साबित नहीं हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, आरोप किसने लगाए थे? गद्दारों ने लगाया था, झूठे लोगों ने आरोप लगाया था। ईडी ने जाँच किया, क्या मिला ईडी को? सीबीआई जांच की, क्या मिला? अगर कुछ मिला हो तो मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को चैलेंज करता हूं, उसको सामने ले आओ। 2 साल की जांच के बाद तुम्हें क्या मिला? भ्रष्टाचार का कैश मिला, बेनामी संपत्ति मिली, सोना मिला, सब क्या मिला बताया ना भाजपा वाले। 2 साल तक एक ईमानदार आदमी जो दिल्ली की जनता के लिए, देश के लिए काम कर रहा था और करना चाह रहा था, उसको तुम लोगों ने रोका है। देश के भ्रष्टाचारियों को मैं बोलना चाहता हूँ, तुम कितनों किसकी कितनी भी ताकत लगा दो जेल में डालने के लिए, लेकिन ईमानदारी का रास्ता नहीं बंद कर पाओगे। कंस को बहुत गुरूर था, अपनी बहन को जेल में डाल दिया था, अपने पिता को जेल में डाल दिया था, लेकिन हश्र बहुत बुरा हुआ उसका। तो ये भ्रष्टाचारियों को मैं यही कहना चाहता हूँ, तुम लोगों का हश्र बहुत बुरा होगा। ताकत है, पावर है, जितना चाहो उतना दुरुपयोग कर लो। भ्रष्टाचार के खिलाफ ही राजनीति में उनकी एंट्री हुई थी और बड़े कम समय में ही न केवल बार बार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने बल्कि पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी बनाने का सफर तय किया। लेकिन क्या लगता है, एक के बाद एक जो पार्टी के बड़े नेता जेल में गए उससे पार्टी की छवि को जो है प्रभाव पड़ा, पार्टी की छवि पर प्रभाव पड़ा? उन्होंने तो यही चाल चली कि सबको अंदर करते जाओ, आज वो ये करते करते हार गए। आज उन्होंने एक साथ एक को, दो को, तीन को गिनती गिनते रहो, सबको बाहर करना पड़ा। प्रूफ आज तक नहीं दे पाए वो। उसने कहा कि 2 मिनट अगर केस लड़ा, जज ने कहा था मनीष सिसोदिया का, तो ये 2 मिनट प्लेटफॉर्म में नहीं टिक पाएगा, ये पब्लिक ने सुना था। आज केजरीवाल को वो बंद कर रहे थे जरूर, लेकिन वो हरियाणा का लाल है, वास्तव में वो जन्मभूमि है उसकी, वहाँ
कौन केजरीवाल को हरा सकता है। इसी उम्मीद से हम लोग केजरीवाल के साथ हैं, हरियाणा हम जिता के आज देंगे, हम केजरीवाल के साथ हैं। अंतिम सवाल आपसे, क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर होगा? आपके नेता बाहर आ गए? हमारे नेता बाहर आ गए। सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी बीजेपी जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाई थी, वो एलिगेशन सिर्फ चिल्ला कर लगाई थी, उसको साबित नहीं कर पाई थी। और ये उनका यही मकसद था कि पहले इसको अंदर करो, बाकी पब्लिक में इनका गलत मैसेज जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पब्लिक बेवकूफ़, आपकी पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, वो मकसद को खूब समझती कि ये कथनी करनी है क्या है। अब सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ, हमारे केजरीवाल जुगनू नहीं है। एक कहा आप लोगों ने सुना होगा कि झाड़ का जुगनू है जो अपने लिए चमका किया और दूसरों के वास्ते जलता है मंदिर का दिया। ये हमारे केजरीवाल जी हैं जो दूसरों के वास्ते के लिए जलते हैं, अपने लिए चमकते नहीं है। अपने नेता का किस तरीके से अभिवादन यहाँ किया जा रहा है आप देख सकते होंगे। एक अंतिम अंतिम कमेंट आपसे, क्या कहेंगे? रिहाई हो चुकी है अरविंद केजरीवाल की, जो उनके समर्थक हैं वो उनको लेने के लिए पहुँच रहे हैं, कितनी खुशी है आपको? देखिए, हम ही नहीं पूरे देश के लोग खुशहाल हैं, चूँकि पूरा देश देख रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो एक कट्टर ईमानदार हैं, इस देश में पहली बार 75-78 सालों बाद पहली बार ऐसा हुआ जो संविधान में वर्णित है, देश के उन हजारों बच्चों को, लाखों करोड़ों बच्चों को जो निःशुल्क और बेहतर शिक्षा की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना सरकारों की जिम्मेदारी होती है, स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कराना सरकारों की जिम्मेदारी होती है, उस पर खड़ा होने वाला, उतरने वाला पहला व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी हैं। आज पंजाब में भी बातचीत के लिए देखिए, उनके एक खास समर्थक भी हमारे साथ जुड़े हैं, और वाराणसी में जहां आम आदमी पार्टी का उतना आधार नहीं है, वहां पर भी ये किस तरीके से अपने नेता का अभिवादन कर रहे हैं, हम इनसे भी बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर जी अनिल कुमार मौर्या है। अनिल जी, कितने सालों से आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, क्या खासियत लगती है दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल में? हम आम आदमी पार्टी से सर जी 2014 से जुड़े हैं, जब माननीय केजरीवाल जी यहाँ बनारस से चुनाव लड़े थे। अच्छा। 209,234 वोट पाए थे, तब से हम लगे हैं, आज तक लगे हैं। अच्छा, कितनी खुशी है, आज का दिन तो आपके लिए भी बड़ा अहम है, तो किस तरीके से खुशी जाहिर करेंगे आज की भाई? खुशी तो सर जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है कि माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसी के तहत हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और आगे जो भी फैसला रहेगा उसी के तहत हम लोग रहेंगे। चाहते हैं अंतिम सवाल, आप चाहते क्या हैं कि दिल्ली से अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफर कहां तक हो, और क्या चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश क्या है? हमारी ख्वाहिश यही है सर जी कि देश की ये मजबूरी है, केजरीवाल जरूरी है, केजरीवाल जी को एक बार लाना है यहाँ भी पूरे देश में, कि यानी एक बार केजरीवाल का शासन सत्ता हो, बिजली फ्री हो, पानी फ्री हो, स्वास्थ्य फ्री हो, शिक्षा फ्री हो, मोहल्ला क्लिनिक फ्री हो, रेल और बस में किराया फ्री हो। यानी चाहते हैं देश के वो सर्वोच्च पद पर हो? जरूर सर जी, वही हमारी तमन्ना है। इसी तमन्ने के तहत तमन्ना यही है कि केजरीवाल जी एक दिन हमारे देश का प्रधानमंत्री बने, यही हमारी तमन्ना है आम आदमी की। इस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं उनमें काफी खुशी है दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।